नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। राजस्थान में कांग्रेस का हाल कुछ पंजाब जैसा नजर आ रहा है। पंजाब में कांग्रेस के एक धड़े ने जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी की मनमानी का मुद्दा उठाते हुए नेतृत्व के बदलाव का मोर्चा खोला था, अब उसी तरह से राजस्थान में भी सियासी खेल शुरू हो गया। कांग्रेसी विधायक और नेताओं ने गहलोत सरकार में अफसरशाही के हावी होने का मामला उठाया। गहलोत के एक मंत्री ने तो इस्तीफा तक देने की धमकी दे दी। ऐसे में गहलोत सरकार में उठ रहे बागी तेवरों को और हवा मिल गई। पार्टी हाईकमान को भी पूरे मामले की भनक लग गई है। पिछले चार दिनों में चौथे कांग्रेस विधायक ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना ने प्रमुख सचिव कुलदीप रांका के खिलाफ लिखते हुए इस्तीफे की पेशकश की। इस तरह से एक के बाद एक कांग्रेसी विधायक और नेता गहलोत सरकार में हावी होती नौकरशाही को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू से कांग्रेस विधायक राजेंद्र विधूड़ी ने कहा कि इस सरकार में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही, ऐसे ही रहा तो कोई विधायक चुनाव नहीं जीतेगा। विधूड़ी ने बिना नाम लिए गहलोत के मंत्री पर भी निशाना साधा और कहा कि मंत्री को बचाने के लिए पेपर आउट मामले की जांच नहीं कराई जा रही है। इससे पहले डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा ने दिल्ली में पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन से मिलकर गहलोत सरकार के कामकाज की शिकायत की थी। प्रतापगढ़ से विधायक रामलाल मीणा भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सह प्रभारी सचिव धीरज गुर्जर ने भी अफसरशाही को घेरा। उन्होंने कहा कि अधिकारी कभी किसी सरकार के नहीं होते, वो सत्ता के और खुद के होते हैं। ऐसे में समय पर इनकी पहचान ना करने से किसी भी सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नेताओं के ब्यूरोक्रेसी पर मनमानी के आरोपों से उठे विवाद को खत्म करने के लिए मुख्य सचिव ने पिछले दिनों एक सर्कुलर भी निकाला था। इस सर्कुलर में अफसरों को विधायकों जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने, उनके मुद्दों की सुनवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद हालात नहीं बदले और अफसरों के खिलाफ नेताओं की शिकायतें बरकरार हैं और अब मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि ऐसे ही पंजाब में भी कांग्रेस के एक धड़े ने कैप्टन सरकार के दौरान नौकरशाही के हावी होने का मुद्दा उठाया था और धीरे धीरे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीएम तक बदलने के लिए मोर्चा खोल दिया गया था। कांग्रेस ने कैप्टन को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया। इसके बावजूद कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हुई और चन्नी के खिलाफ भी कांग्रेस का एक धड़ा मुखर रहा। इसका सियासी खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में सत्ता गंवाकर उठाना पड़ा। वैसे ही सियासी हालात राजस्थान में भी बनते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जारी कुर्सी की जंग के बीच अब कांग्रेस विधायकों द्वारा नौकरशाही के खिलाफ मोर्चा खोलने से मुख्यमंत्री गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसका मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को फायदा मिलना स्वाभाविक है। पिछले कुछ वर्षों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो ये साफ तौर पर सामने आता है कि हर टर्म के बाद सरकार का बदलना जारी है। 2003 में बीजेपी तो 5 साल बाद 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी। इसी तरह 2013 में जनता ने बीजेपी को चुना और 2018 में कांग्रेस ने वापसी की। साफ है कि 2023 में गहलोत को सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ सवाल यह भी है कि गहलोत सरकार इस इतिहास को बदल सकती है, जिस तरह की बात सचिन पायलट कहते हुए नजर आ रहे थे कि परिपाटी जो है कि जो परिपाटी है उसको कांग्रेस को बदलना है। अब सचिन पायलट की इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए जब अफसरशाही पर ही बेलगाम होते नेता नजर आ रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ मंत्री जो है अधिकारियों के साथ मिलकर काम नहीं करते, यानी जो जिस विभाग का है उस मंत्री का काम नहीं होता बल्कि संबंधित जिससे व्यवहार आपका अच्छा है उनके साथ उनके सारे काम बन जाते हैं। अब ऐसे में अगर ये धड़ा सक्रिय होता है तो गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जिस दौर से गुजर रही है कुछ ऐसी ही हालत उधर भी नज़र आ रही है। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती इस बात की है क्योंकि वो सत्ता में है। अब सत्ता में रहते हुए आप अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत करोगे? एक तरफ सचिन पायलट के जो सहयोगी धड़ा है वो भी कहीं ना कहीं विरोध जता रहा है। सचिन पायलट के साथ जो व्यवहार किया गया, उप मुख्यमंत्री
हुआ करते थे, विरोध के बाद वो पद भी उन्हें गंवाना पड़ा। उसके बाद भी जब बैठने के लिए कुर्सी दी गई तो पीछे की कुर्सी दी गई, जिसको सचिन पायलट शायद स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो नाराजगी है, ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, गहलोत सरकार की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। दूसरी तरफ गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था का दबाव पहले से है, यानी कानून व्यवस्था उनसे नहीं संभल रही। जिस तरह की हिंसक झड़पें हुई उससे भी कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले चुनाव में कैसे निपटेगी गहलोत सरकार, इसको भी समझना होगा। अशोक गहलोत के सामने चुनौती ये है कि पहले वो अपने दल के नेताओं को साधें, अगर उनका उन्हीं के नेता विरोध करने लगे और अफसरशाही को लेकर तमाम सारी जो बातें और अटकलें सामने आ रही हैं, तो फिर मुश्किल की ये घड़ी ज़रूर गहलोत के सामने आ जाएगी और आकर खड़ी हो जाती है कि आखिर गहलोत इन चुनौतियों से निपटेंगे कैसे। दूसरी तरफ अगर बात दिल्ली तक पहुंच जाए तो अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इनके सामने चुनौती है, खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कि क्या वो इस तकरार को रोक पाएंगे। जिस तरह की अफसरशाही को लेकर शिकायतें की जा रही हैं, पंजाब के हालात पर इसलिए चर्चा की क्योंकि पंजाब में भी इसी तरह से विरोध शुरू हुआ था। अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए राहुल गांधी से मुलाकात की गई, मुख्यमंत्री बदले गए और हालत ये हो गई कि सत्ता से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा। चन्नी भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। चरणजीत सिंह चन्नी को जिस तरह से कहा जा रहा था कि काफ़ी गुणी हैं, काफ़ी राजनीतिक स्तर पर फैसले ले सकते हैं, ये तक कहा गया कि चरणजीत सिंह चन्नी ने वो काम कर दिए हैं जो राहुल गांधी नहीं कर पा रहे थे, यानी नेतृत्व जो फैसले नहीं ले पा रहा था चरणजीत सिंह चन्नी ने लेकर या उनकी राह को और आसान कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर सचिन और अशोक गहलोत के बीच एक बरखाई फिर बढ़ती है तो फिर किस तरह के सियासी समीकरण बनते नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो क्या बीजेपी वास्तविक रूप से इसका फायदा ले पाएगी। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस के अंतर्कलह के चलते फायदा इसका बीजेपी उठा जाए। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आशीष चतुर्वेदी प्रवक्ता बीजेपी और राजेंद्र आर्य प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं कांग्रेस में, हालात वैसे ही कुछ नज़र आ रहे हैं जैसे पंजाब में थे, अगर जल्द नहीं निपटा गया तो सत्ता फिर से खिसक सकती है कांग्रेस के हाथ से, कैसे निपटेगी कांग्रेस? देखिए रविंद्र जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान के अंदर एक बहुत ही लोकप्रिय सरकार है। राजस्थान ने जिस तरीके से अभी 2022-23 का जो बजट पेश किया था उसके अंदर जितने भी हमारे जो घोषणाएं हुई थी या जिनको हमने अमली जामा पहनाया है, उन सारी बातों को लेकर निश्चित रूप से एक पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा है कि राजस्थान सरकार बेहतरीन काम कर रही है। और इसके साथ में जिन मुद्दों को लेकर आज हम जो बात कर रहे हैं वो मुद्दे भी हैं, निश्चित रूप से उन पर भी बात करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे माननीय मंत्री जी की जिनका की कल का जो भेंट था उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात की और वो बात पूरी तरीके से उनसे उनका पक्ष सुनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस तरीके से वो बहुत ही बेहतरीन काम, मुख्यमंत्री ने तो उस दौर में भी कहा था जब सचिन पायलट से उनके जो लकीरें खींची हुई थी और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई थी वो बिल्कुल अलहदा थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात का कितना भरोसा किया जाए? नहीं, मुख्यमंत्री अगर जी की बात का भरोसा, देखिए अगर वो ऊपरी सतही बातें करते रहेंगे और अपने नेताओं को अपने फेवर में नहीं लेंगे तो तस्वीर वही सामने आएगी जो पंजाब की। नहीं, नेता निश्चित रूप से फेवर में है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से देश के अंदर जो अलोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार जो हमारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती, चाहे ईडी की बात हो, चाहे इनकम टैक्स की बात हो, चाहे सीबीआई की बात हो, और इस तरीके की जो करती है उसके बाद सुनिए तो सही, मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त जिस तरीके से सरकार गिराने का मध्य प्रदेश में वो सरकार गिराने में कामयाब हो गए, राजस्थान में इनके मंसूबे नाकाम कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जिस तरीके से वो और हमने जैसे विश्वास मत भी हासिल किया तो उल्टा इनके भाजपा के दो विधायक ही सदन से गायब रहे, तो अंतर कले तो इन लोगों के अंदर है। चाहे वसुंधरा जी की बात हो, चाहे सतीश पूनिया जी की बात हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात हो, इनके तमाम तरीके की बात हो, चाहे इनके सबसे वरिष्ठ विधायक जो है कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व
विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी जो इनके आपस में इनके नेताओं के बारे में क्या क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें उनकी अंदरूनी बात पे नहीं जाना है। इस वक्त बात यह है कि राजस्थान सरकार बेहतरीन काम कर रही है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों की बात, तमाम तरीके से। उसके उलट अगर पिछला आपने कल हमारा पूरा देखा होगा कि 8 साल और 8 छल जो इस सरकार ने किए हैं, भाजपा विफल, 8 साल 8 छल और भाजपा विफल, तो उसके अंदर आप पूरे के पूरे मुद्दों पे बात करेंगे, चाहे रोजगार देने की बात हो। सरकार पूरी तरीके से 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके ये सरकार केंद्र में आई थी, आज 8 साल हो गए, कोई उनसे ये नहीं पूछता कि कहाँ है प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। 45 करोड़ लोगों ने मतलब नौकरी मांगना बंद कर दिया है क्योंकि उनको लगाता है केंद्र सरकार रोजगार दे नहीं रही। महंगाई सर्वकालिक दौर में है। एक बात कही कि सरकार बचाने का क्रेडिट आपने गहलोत जी को दे दिया जी, क्या लगता नहीं अगर सचिन पायलट कोई कदम वहाँ उठा लेते तो गहलोत जी क्या कर पाते? सर देखिए मेरी बात जो काम सिंधिया ने किया है जो वही काम अगर सचिन पायलट अगर कर देते फिर क्या स्थिति होती? देखिए कर देते नहीं, वो नहीं करते, वो कांग्रेस के बहुत ही अनुशासित नेता हैं और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये सवाल राजेंद्र जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिंधिया ने भी यही प्रश्न उठाया था कि केंद्रीय नेतृत्व उनकी आवाज को नहीं सुनता और वो जो बात कहना चाह रहे हैं उसको सुनने की कोशिश नहीं की जा रही। मिलने का एक मिनट, मिलने का समय मांगा जा रहा, मिलने का समय नहीं है। यहाँ पर भी वही बात चल रही है कि जो अफसरशाही है उनसे जब काम कहे जाते हैं, जिस विभाग का नेता है वो काम कहता है, उनके काम नहीं होते, लेकिन जो उनके चहेते लोग हैं उनके काम फटाफट हो जाते हैं। तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए ना जी। रविंदर जी मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, आप बहुत मतलब मीडिया के अंदर काफी पुराने हैं, आपका अनुभव भी है, क्या आप विश्वास करते हैं कि सिंधिया जी जिनका प्रियंका गांधी के साथ में और राहुल गांधी के साथ में एक भाई बहन जैसा रिश्ता रहा, मतलब प्रियंका जी को वो अपनी बहन मानते, मतलब आपने देखा होगा इनके अंदर इतना अच्छा, क्या आप समझ सकते हैं? राहुल गांधी ने एक कहा कि मेरे घर पे कोई भी आ सकता है, किसको पूछने की जरूरत नहीं है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। आप कैसे उनकी बात, हाँ उनके उनके उनको सत्ता का सुख भोगना था या उनके कोई ना कोई मामले थे, इस चक्कर में वो डर कर गए। और यहाँ पर किसी को भी डरने की जरूरत है, हमारे नेता कहता है डरो मत, ये सरकार किसी को डराने के लिए चाहे ईडीआई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इसके प्रयोग करती है, लेकिन हमारा कोई नेता डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि इस सरकार से संघर्ष करने में अगर वो आखिरी आदमी होंगे तब भी संघर्ष करेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जिनको भय है, जिनको प्रलोभन है, वो उनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का अनुशासित आदमी है, अनुशासित सिपाही है, जिसके अंदर कांग्रेस के प्रति वफादारी है, वो कांग्रेस की बात करेगा और इस देश के अंदर जो जन विरोधी सरकार है उसकी नीतियों को, गलत कामों को उजागर करेगा। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी, महंगाई हो चाहे संसाधनों की बिक्री हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, पेगासस का इश्यू हो, चाहे राफेल की बात हो, उन पे बात करने की जरूरत है। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, 8 छल भाजपा निष्फल और आप जो सपने अगर संजो रहे हैं, अपने संगठन की मजबूती की बात कर रहे हैं, आप अपने संगठन को मजबूत कैसे करेंगे? कांग्रेस की कमजोरी की वजह से आप सत्ता में आना पसंद करेंगे या ये कहलाना पसंद करेंगे या अपनी मजबूती के बलबूते? देखिए रविंद्र जी यहाँ दो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक कल्चर है, हम एक संगठन आधारित पार्टी है, हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व है और परिश्रमी कार्यकर्ताओं की फौज है, ये हमारी स्ट्रेंथ है जिस पे हम वर्क करते हैं, हमें दूसरे की वीकनेस पे फल लेने की आदत नहीं है। लेकिन हमको जो धरातल पे परिस्थितियां चल रही है रविंद्र जी उसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा। आप देखिए राजस्थान में जो आप स्थिति चल रही है, अभी आपने जिक्र किया कि पंजाब में तो जिनको बड़ा भयानक नुकसान उठाना पड़ा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पंजाब में तो फिर भी 117 में से ये 18 सीटें लेकर के आ गए। राजस्थान में जो धरातल परिस्थिति है, जिस तरह से आप देखिए भ्रष्टाचार चरम पर है और जिस तरह से नेताओं ने लूट खसोट मचा रखी है, अफसरशाही बेलगाम और भ्रष्ट हो रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं नहीं रविंद्र जी सुनिए तो सही मेरी बात, आप देखिए अपराधियों का यहाँ पे देखिए बिल्कुल बेखौफ होकर के अपराधी घूम रहे हैं। राजस्थान अगर महिला अत्याचार की बात करें, दलितों पर अत्याचार की बात करें तो पूरे देश में नंबर 1 और नंबर 2 बना हुआ है। आप देखिए इस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण आए दिन दंगा फसाद हो रहा है। आप देखिए लेकिन बेरोजगारी राजस्थान में चरम पर है। आप देखिए आप संगठन की मजबूती की बात किस बात को लेकर कह रहे हैं आप? वही मैं कहना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि भाजपा की या कांग्रेस की आप कमियां बताएंगे, आपके संगठन की मजबूती भी बताएंगे। देखिए रविंद्र जी हमारी संगठन की मजबूती क्या, वहाँ तो शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं जन्मदिन पे।
नहीं नहीं देखिए 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 रविंद्र जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश में हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेता हैं। पहले तो ये थोड़ा स्थिति स्पष्ट करें राजस्थान के कांग्रेस के नेता कि ये राजस्थान में 2023 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। आप देखिए स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू है, आप देखिए कि ये जो माहौल चल रहा है इससे सरकार के मंत्री सरकार के विधायक भी बहुत अच्छे से इस चीज को समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए आए दिन रोज धमाके हो रहे हैं और आप ये तय मानिए कि जब तक इस सरकार की विदाई नहीं होगी तब तक ये धमाके इनके रोज होते रहेंगे। आप देखिए अभी आपने बहुत सारे चीजों को बताया। देखिए रविंद्र जी क्या बोल रहे हैं आप, मैंने बड़ा कॉन्फिडेंट होके कह रहे हैं। नहीं नहीं कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस का कारण भी देखिए आपने अभी जिक्र किया कि 2003 2008 2013 और 2018 में आपने सत्ता परिवर्तन की बात की, लेकिन आप एक बात बताना भूल गए कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है ना उसमें और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बहुत अंतर है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्षी दल बनती रही है तो चेहरे की बात आपने की, हम चेहरे पर भी हम बात करेंगे। अंतर कलह की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ेगी या फिर अपनी मजबूती के साथ, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो अंतर कलह है वो अगर खत्म नहीं की गई तो कांग्रेस का हाल कहीं पंजाब जैसा ना हो। राजन जी एक सवाल यहाँ पर करते हुए नजर आया आशीष चतुर्वेदी जी कि भाई आप किस चेहरे पे आगे जाओगे जब आप चुनाव लड़ने की बात कह रहे हो, अगर आपकी इस तरह से अंतर्कलह चल रही है, आपके अंदर इतनी उठापटक चल रही है, आप कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर जाओगे कैसे आप और किस चेहरे पे जाओगे? रविंद्र जी देखिए कांग्रेस पार्टी में हमेशा से प्रदेशों के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे प्रोजेक्ट नहीं किए और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस वक्त सरकार में हैं और वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, तीन बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है उन्हीं के आधार पर या जो उन्होंने बजट घोषणाओं के अंदर या जो अमलीजामा पहनाया है जो तमाम कार्यक्रम दिए हैं तो निश्चित रूप से वही है। लेकिन इनके यहाँ पर तो छह सात आदमी मुख्यमंत्री इन वेटिंग का टैग लगा के घूम रहे हैं, चाहे गजेंद्र शेखावत की बात हो, चाहे वसुंधरा जी की बात हो, सतीश पुनिया जी की बात हो, चाहे गुलाब चंद कटारिया जी की बात हो, राजेंद्र राठौर की बात हो, चाहे ओम बिड़ला की बात हो, सचिन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव या गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ जाएगा? नहीं नहीं देखिए नेतृत्व ये हमारा मतलब पूरा का पूरा जो जीत के विधायक जो जीत कर आते हैं वो विधायक जीत कर ही इस चीज का फैसला करते हैं। उसके बाद में ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक सवाल है और जब ये विधानसभा 23 के जब होंगे और निश्चित रूप से इनको ये लगता है कि ये सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो कहीं ना कहीं इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं कांग्रेस अच्छा काम कहाँ कर रही है, कुछ गिनाए भी तो। नहीं नहीं कांग्रेस अच्छा काम कर रही है तभी तो ये बदनाम करने की बात करते हैं ये लोग, मतलब आज ये दंगे फैलाने वाले लोग हैं, इनको पता है कि हम तो सरकार के विधायक बदनाम कर रहे हैं। सर कहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई बदनाम नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। मैं आपको बता दो केंद्र सरकार के बारे में भाजपा के तमाम चाहे राज्यसभा के सांसदों इस तरीके के, अभी सुब्रमण्यम स्वामी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था एक दिन तो वो कह रहे थे कि ये सरकार भी इंडिया साइनिंग की तरह डूब जाएगी और 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर इन्होंने बदनाम करने से क्या सरकार कमजोर हो जाती है, गिर जाती है, इतनी कमजोर हो गई कांग्रेस? केंद्र की सरकार के ऊपर तमाम तरीके के आरोप है, चाहे इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने की बात हो, चाहे इस देश के संसाधनों को लूटने की बात हो, चाहे दो लोगों का एकाधिकार पूरे के पूरे देश के ऊपर करने की बात हो, चाहे पेट्रोलियम सेक्टर हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे आपका स्वास्थ्य सेक्टर हो, तमाम चीजों के ऊपर, चाहे रिटेल सेक्टर हो, क्या मजबूती के कारण है? नहीं राजस्थान की मजबूती पर अगर आप लगाम नहीं लगा पा रहे, अपने नेताओं की जुबान नहीं रोक पा रहे हैं, आपसी जो फूट ऊपर सीएम और डिप्टी सीएम के बीच रही है वो नहीं आप खत्म कर पा रहे हैं, आप तो उनके पास वो पद भी नहीं रहा, सारे पद भी उनसे छीन लिए गए। रविंद्र जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने जो तमाम काम अच्छे काम किए हैं उनकी जनता तक पहुंच है, उन चीजों के अंदर हमें किसी को भी, हमें जनता तक उन बातों को पहुंचानी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि सभी नेताओं को, चाहे हम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे संगठन के पदाधिकारी हैं, कोई भी है, सबको अपनी बात को पार्टी के फोरम पर रखना चाहिए और हमें अपनी मतलब पदों की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए और हम जो बात अपने अपने आपस में करनी चाहिए फोरम में वो जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे कैसे रखें फोरम? नहीं नहीं हुआ ना, आप देखिए आपने गणेश गोगरा जी की बात की, आपने चाहे चांदना जी की बात की, चांदना जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले उसके बाद वो पूरी तरीके से आश्वस्त है और गणेश गोगरा जी ने भी जो बात कही उनका लोकल लेवल का कोई इश्यू था उस इश्यू को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी
जाहिर की, उसके बाद में जो मतलब राजीव गांधी की जी की उस पर पुण्यतिथि पे जो कार्यक्रम था उसके अंदर वो देश के अंदर दिल्ली के बड़े कार्यक्रम में शरीक हुए, युवा कांग्रेस युवा मतलब नेताओं का उन्होंने नेतृत्व किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि भाजपा का जो कुशासन है पूरे देश के अंदर, यह सिर्फ सवाल राजस्थान का नहीं है, ये सवाल मध्य प्रदेश का है, ये सवाल उत्तर प्रदेश का है, चाहे बिहार का है, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है, पूरे देश के अंदर महंगाई की समस्या है, पूरे देश के अंदर नौकरी की समस्या है। आपके पीएसयू जिस तरीके से बिक रहे हैं, LIC बिक रहा है, ONGC का बुरा हाल हो गया, पेट्रोलियम सेक्टर तबाह, रिटेल सेक्टर तबाह, आपका हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, उसके बाद भी नुकसान आपका, उसके बाद भी मुद्दों को आप नहीं बना पा रहे हैं। आशीष जी, जनता की जनता तक पहुंचाएंगे, और अगर आशीष जी आपने कांग्रेस के चेहरे की तो बात कर दी, आपने कांग्रेस के चेहरे की तो बात कर दी, जरा ये भी बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जब जाएगी तो किस चेहरे के साथ जाएगी चुनाव में? देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का तय है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, अन्य प्रदेशों में भी लड़ते हैं। अरे अरे आप बताइए ना राजेंद्र जी, आप चुप रहिए राजेंद्र जी, डिबेट नहीं कर, राजेंद्र जी जवाब, राजेंद्र जी आप शांत रहिए, थोड़ा धैर्य से सुनिए। आप आपको वास्तविकता का तो आइडिया नहीं है, बहुत सारी बातें आपने कर ली है, मैंने राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, हम पूछ लेंगे, राजेंद्र जी, हम सवाल, राजेंद्र जी आप चुप रहिए, या तो आप इनको अनम्यूट कीजिए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ, राजेंद्र जी डिबेट नहीं करता हूँ, राजेंद्र जी वक्त कम है हमारे पास, हम सुनते रहेंगे यहाँ पर बैठे बैठे, राजेंद्र जी वक्त कम है हमारे पास, उनको बात रखने दीजिए। आशीष जी, रविंद्र जी अब मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप मुझे धैर्य से थोड़ा सुने, बहुत सारा समय आपने इनको दिया है, ठीक है ना, कांग्रेस का भी ये स्तर रहा नहीं कि आप उनको इतना समय दें। आप देखिए जो देश में उनकी स्थिति हो रही ना, 17 राज्य में उनके चुनाव हुए हैं, 17 में से एक राज्य में भी आप नहीं जीत पाए, आप बताइए आप उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े हैं क्या? आप अपनी बात रखिए आशीष जी, क्या हुआ पता है आशीष जी, सुनिए आपकी जो स्थिति है आशीष जी, आप अपनी बात रखिए, सत्ता में जो है उससे सवाल पूछना जायज है, क्योंकि उनके विधायक, उनके विधायक उनके ऊपर आरोप लगा रहे, तो सवाल जायज थे ना, एक मंत्री ऐसा तो नहीं, हमने उनकी तारीफ कर दी, अनुभव हो रहा है, आप देखिए राजेंद्र जी, राजेंद्र जी हमें सवाल पूछने दीजिए, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी देखिए आप सवाल, हमें सवाल पूछ लेने दीजिए ना, आप आपको जो हमने समय दिया तो आपने बताया, हमें सवाल पूछ लेने दीजिए, क्यों बोले कि इनका स्तर नहीं है, ठीक है क्या कांग्रेस से, वो स्तर बाद में नाप लेंगे, जनता नाप देगी, जनता बता देगी किसका किसका क्या स्तर है, वो किसी को एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं, वो जनता बता देगी, लेकिन हमें सवाल पूछने दीजिए, बीच बीच में डिस्टर्ब मत करिए, जनता सेटिस्फाई नहीं होगी, राजेंद्र जी बीच में डिस्टर्ब मत करिए, हमें सवाल पूछ लेने दीजिए, हमें जवाब लेने दीजिए, ठीक है, गरिमा रखना, ठीक है, ठीक है, अब जवाब देने दीजिए राजेंद्र जी, जवाब देने दीजिए, समय खत्म हो जाएगा जी। आशीष जी बोलिए। देखिए रविंद्र जी, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई इंटरप्ट ना करे जी, बिल्कुल बोलिए, चेहरा बताइए सीएम को। देखिए रविंद्र जी, मैंने चेहरा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, हमने अभी 4 राज्यों में भी चुनाव लड़ा है, वहाँ पर भी हमने मोदी जी के नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा है, सीएम का चेहरा हम राजस्थान में बता रहे हैं, अरे आप सुन ही नहीं रहे, आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो देखिए आप मेरे मुंह से वो निकलवा नहीं पाएंगे जो आप चाह रहे हैं, जब या तो आपके समझ में नहीं आ रहा है जी, ठीक है, अब आप ध्यान ध्यान से सुनिए, देखिए राजस्थान में कांग्रेस इतनी खराब है, आप देखिए रविंद्र जी इतनी बुरी स्थिति है, आप देखिए कि एक मंत्री बोल रहा है कि उसको ब्यूरोक्रेसी के हस्तक्षेप के कारण जलालत का अनुभव हो रहा है, पर आज देखिए इनके मुख्यमंत्री और प्रताप सिंह खाचरियावास जो दोनों की स्टेटमेंट है, दोनों में बहुत विरोधाभास है। अच्छा, आप देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि अशोक चांदना जी यूथ आइकन है, हमको इनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, उसके 2 घंटे बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये तो इन्होंने काम के दबाव में इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, हमको इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आप देखिए ये तो इनके मंत्रिमंडल का अंतर विरोध है, आप देखिए तो आपके यहाँ क्या चल रहा है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ भी तो दबाव की राजनीति चली रही है ना? नहीं कोई, अरे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप ही देखिए चेहरा ऐसा, आप ही बता दो कम से कम कि आपकी पार्टी तो बहुत मजबूत है, आप ही बता दो, मजबूत है ना रविंद्र जी, चेहरा नहीं बता पा रहे, नहीं चेहरा बताना ही नहीं है हमको, चेहरा बता दिया, आप सुनना समझना नहीं चाह रहे, हम कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, अब आप सुनना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, वसुंधरा राजे के समर्थक साफ साफ कह रहे हैं
अरे अरे आप उन्होंने नारे तक निकाल दिए हैं, विज्ञापन तक छपा दिए। रविंद्र जी हमने डिक्लेयर कर दिया है कि हम कमल के निशान पर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अब आप इसको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं। आप देखिए, ठीक है, देखिए रविंद्र जी जहां तक ये बात कर रहे थे अभी, मैं राजेंद्र जी को सुन रहा था, मुख्यमंत्री तीन बार मुख्यमंत्री रहे, बहुत लोकप्रिय रहे, लोकप्रियता का स्तर हमने देखा है जब इन्होंने 2013 से 18 से में शासन किया और मात्र 21 सीटों पर सिमट करके रह गए थे। उससे भी बुरी स्थिति आज राजस्थान में आप देखिए, मुझे लगता है अगले चुनाव में तो ये किसका आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। आपको भी होमवर्क करने की जरूरत है, उनको भी होमवर्क करने की जरूरत है। सवाल दोनों पर खड़े हो रहे हैं। राजनीति अगर इतना आसान है, अगर सबको पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ लेना है, तो फिर आप लोगों का क्या काम, सीएम का भी क्या काम है? सारे काम वो खुद ही कर लेंगे, यानी जो राज्य के नेतृत्व है उनको क्या समाप्ति की घोषणा कर दी जाए? अपनी मेहनत को भी तो आपको दर्शाना होगा कि आप कर क्या रहे हैं, राज्य स्तर पर कितना मजबूत कर रहे हैं संगठन को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मंथन चूंकि कांग्रेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है और उसको खोने का भी डर है। बीजेपी के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, वहां बीजेपी को पाना ही है। इसलिए अगर सीट खसकी तो कौन काबिज होगा ये सब जानते हैं, लेकिन चेहरा पूछा तो चेहरा नहीं बता पाए, यानी पीएम मोदी के चेहरे पर फिर यहां पर राज्य का संगठन आगे बढ़ेगा। पक्ष विपक्ष में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।